Good morning to all. Our great biology series के दूसरे एपिसोड में हम मिल रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है. फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है इंटरनेट वगैरह पे नहीं मिलता है इनके बारे में. लेकिन इनके काम, इनके रिसर्च, इनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा है. तो स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज में. इनको जानने के पहले एक बार और हम आपको बता दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल पर हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को टच कीजिए. तो लेट अस स्टार्ट. प्रोफेसर रामदेव मिश्रा 26 अगस्त 1908 में डोभी में जन्म लिए, डोभी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट. और इनकी डेथ 25 जून 1998 में न्यू दिल्ली में हुई. रामदेव मिश्रा ने अपनी स्कूलिंग अपने लोकल एरिया में की, फिर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू में किया. उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री इकोलॉजी में 1937 में लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से ली और इनकी पीएचडी जो थी वो प्रोफेसर डब्ल्यू एच पीसेल के अंडर में हुई थी. उन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में. जो उन्होंने रिसर्च किए उस रिसर्च ने एक फाउंडेशन जो है एस्टैब्लिश किया. किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रॉपिकल कम्युनिटीज एंड देयर सक्सेशन, environmental responses of plant population and productivity and nutrient cycling in tropical forest and grassland ecosystem. ये सारे ecological terms हैं. Even class 12th में इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं. Tropical communities के बारे में और उनके succession के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने एक platform तैयार किया. प्लांट पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी किस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग होती है लिविंग वर्ल्ड टू नॉन लिविंग वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड टू लिविंग वर्ल्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया और जो है इंफॉर्मेशन जो है को आगे बढ़ाने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया. सॉयल रेडॉक्स पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए जो है मिश्रा जी ने सिस्टम को जो है डेवलप किया. प्लांट एडेप्टेशन के लिए जो है सॉयल रेडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए
सॉइल मॉइस्चर ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। ही डेवलप्ड अ थियरी ऑफ बॉडी बायोमास बिल्डअप, बॉडी बायोमास बिल्डअप की थियरी के बारे में उन्होंने जो है जानकारी दी। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया इकोटाइपिक डिफ्रेंसिएशन एंड डिस्कस्ड सीन इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम हाइपोथेसिस इन द लाइट ऑफ ट्रॉपिकल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इकोटाइपिक डिफ्रेंसिएशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने, सीन इकोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम हाइपोथेसिस ट्रॉपिकल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में जो है उन्होंने बताया। इकोलॉजी, सोशल वैल्यू सिस्टम और एनवायरमेंटल एजुकेशन को उन्होंने स्टडी किया और उसके इंपैक्ट पे उन्होंने प्रकाश डाला। मिश्रा जी ने फॉर्मुलेट किया जो है स्टडी को, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इकोलॉजी इन इंडिया। इसके पहले इकोलॉजी के फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इंडिया में नहीं होता था, और न केवल उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की एस्टेब्लिशमेंट की इंडिया में इकोलॉजी के फील्ड में, बल्कि मोर देन 50 स्कॉलर्स जो है उनके अंडर में, उनके सुपरविजन में जो है पीएचडी डिग्री लिए और मूव किए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ताकि जो है वो इकोलॉजी के फील्ड में जो है वो रिसर्च कर सके और इकोलॉजी टीचिंग को इनिशिएट कर सके। उनके अगर अदर कंट्रीब्यूशन को हम देखें तो मिश्रा जी ने जो है यूनेस्को's मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन के रूप में जो है वर्क किया, इसके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल में चेयरमैन रहे, इंटरनेशनल कमीशन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इकोलॉजी 1967 में मेंबर थे, गवर्निंग बॉडी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1986 से, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे 1972-73 तक, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट 1969-72 मेंबर रहे, एनसीईपीसी वाइस चेयरमैन रहे, मेंबर रहे जो है आईएनएसए काउंसिल 1981-83 तक। Commemorative medals have been instituted in honor of Ramdev Mishra. Founders Medal by the International Society of Tropical Ecology. 1979 में इंस्टीट्यूट जो है ये और इसका जो है फाउंडर मेडल जो है रामदेव मिश्रा के नाम पे जो है जारी किया गया। रामदेव मिश्रा गोल्ड मेडल बाय इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी, दूसरा जो कि जो है 1980 में इंडियन एनवायरमेंटल सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ही सर्व्ड एज चीफ एडिटर ट्रॉपिकल इकोलॉजी, ट्रॉपिकल इकोलॉजी मैगजीन के जो है चीफ एडिटर रहे, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी इनके एडिटोरियल बोर्ड में जो है मेंबर रहे, कई सारे जर्नल्स और जो है कई के जो है मेंबर रहे, एडिटर्स रहे, इसके अलावा जो है बुक्स उन्होंने लिखी। He was honored with fellowship of the Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science and prestigious Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology. Sanjay Gandhi Award in Environment and Ecology उन्हें दिया गया। Due to his efforts, Government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया एनसीईपीसी, नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में, जो कि आगे चलकर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है एक रोड मैप तैयार किया।
उन्होंने रिसीव किया बिरबल सानी गोल्ड मेडल 1967 में, उन्होंने रिसीव किया बिरबल सानी गोल्ड मेडल, जवाहरलाल नेहरू गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश विज्ञान अकेडमी की तरफ से 1974 में, ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी 1979 में, प्रोफेसर टी एस सदाशिवन एंडोमेंट लेक्चर INSA 1984, स्वामी पर्णावनन सरस्वती अवार्ड यूजीसी की तरफ से 1986 में, ही डिलीवर्ड द मालवीय मेमोरियल फाउंडेशन लेक्चर 1986 में, उन्होंने जो है ये अपना फेमस लेक्चर दिया BHU में, प्लेटिनम जुबली लेक्चर इंडियन साइंस कांग्रेस 1991, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉटनी सेक्शन इंडियन साइंस कांग्रेस 1958, he was a fellow of National Academy of Sciences India, Indian Botanical Society ke president rahe 1959 mein, founder fellow rahe National Institute of Ecology ke, World Academy of Arts and Science and International Society of Tropical Ecology ke president rahe 1971 to 75 tak. ye sari cheeze jo thi wo Ramdev Mishra ji ki jo hai achievement thi. to aaj humne jana professor रामदेव मिश्रा के बारे में. ऐसे ही किसी एक दिन हम फिर आएंगे, आपसे बातें करेंगे किसी और इंडियन ग्रेट बायोलॉजिस्ट के बारे में. थैंक यू.